कल तुम्हारे साथ में हम भी और ये भी, एक मिनट बेटे थोड़ी सी सुनो, हम भी बैठेंगे आपके साथ में और ये भी बैठेंगे, और मजबूती से बैठेंगे। मान जाओ, आ जाओ, कोई आम इंसान नहीं कह रहा विधायक। दिवाली तो रात रात की बात है, कल फिर बैठेंगे। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये बच्चे गुरुग्राम के सरकारी और प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, जो कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मामला गुरुग्राम का है, जहां पर सरकारी स्कूल की छात्राओं ने रात में भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। कादरपुर गांव की धाणी के लिए रास्ता रोकने के चलते धरने पर बैठी स्कूल की छात्राएं हरियाणा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती हुई नजर आई। आपको बता दें, आरोप लगाया जा रहा है कि परीक्षा देकर घर लौट रही छात्राओं को पुलिस ने रोक दिया था, जिसके विरोध में वो धरने पर बैठ गईं। आपको बता दें, कादरपुर गांव की धाणी के 50 साल पुराने रास्ते को हरियाणा पुलिस अकादमी ने बंद कर दिया है और ये रास्ता हरियाणा पुलिस की अकादमी की जमीन से गुजर कर जाता है। पिछले कई सालों से हरियाणा पुलिस और ग्रामीणों के बीच रास्ते को बंद करने को लेकर विवाद चल रहा है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाता है तो घर तक पहुंचने के लिए उन्हें 5 से 10 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। कल हम पेपर देकर छुट्टी टाइम यहाँ से जा रहे थे, 12:30 बजे का टाइम था दोपहर का, और हम यहाँ से जा रहे थे तो दो बहनें हमारी जा रही थी, उन्होंने को हाथ पकड़ के धक्का मारा था, दो लेडीज और एक जेंट्स खड़ा था उन्होंने, और फिर हम आए यहाँ से तो उन्होंने बताया कि बहन ऐसे ऐसे बात हो रही है, और फिर उन्होंने बोला कि सीएम मैम आ रही है, वो आपसे मिलेगी, बात करेगी। हमने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, हम यहीं पे बैठे हैं, आपने हमारे साथ बदतमीज़ किया, हम आपकी शिकायत लगाएंगे, और फिर बोले कि कुछ भी लगा देना बट आप हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे, अब हम यहाँ से घूम के जाएंगे, 10 किलोमीटर दूर हमारा घर पड़ता है यहाँ से, बादशाहपुर रामगढ़ होकर, और यहाँ से जाएंगे, हमारे 5 मिनट का रास्ता है, और इन्होंने बदतमीज़ कर करके हम यहाँ पर बैठाए रखे, और हम यहाँ से रात से यहाँ बैठे, कल सुबह से घर से निकले हुए, और मम्मी पापा टेंशन के मारे हमारे आसपास यहीं डोल रहे हैं, और नहीं हमने कल से कुछ खाया नहीं पिया है, और नहीं हम खाएंगे नहीं पियेंगे तब तक हमारा रास्ता नहीं खुलेगा। वहीं आपको बता दें, ये छात्र छात्राएं केवल धरना ही नहीं दे रहे हैं, इसके साथ ही इन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया है जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, और साथ ही साथ उन्होंने स्कूल और परीक्षा का भी बहिष्कार करने की बात कही है। हम कल के 12 बजे के यहाँ पे बैठे, हमने पूरी रात यहाँ पे काटी है, और हमसे वैसे तो अधिकारी बहुत मिलने के लिए आए हैं, पर ये कह देते हैं कि हम 10 बजे आएंगे और तुम्हारा रास्ता खोल देंगे, अब तक तो वो आए नहीं है, पता नहीं रास्ता कब खुलेगा, फिर कहते हैं कि मंगलवार को आएंगे, तो हमने कहा ठीक है मंगलवार को आ जाओ, हम तुम्हें मंगलवार को यहाँ पे मिलेंगे, पर ये फिर भी कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे बैठे। अरे हम किसी से कुछ कह रहे हैं नहीं, हमने अभी तक किसी को मारा ना कुछ किया, हम सिर्फ यहाँ पे बैठे चुपचाप, फिर भी हम पे लाठीचार्ज करने के लिए कह रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन को देखते हुए छात्र छात्राओं के अभिभावक भी बेहद परेशान हैं और वो भी इस रास्ते को खोले जाने की मांग कर रहे हैं। आज से नहीं, काफी दिनों से, मैं छोटी सी थी जब ही मेरी शादी हो गई थी, और जब से हमने सुना है ये रोड अपना, मतलब रोड तो कल बना है, कच्चा रास्ता था यहाँ से निकलने का, हमारे पुरख यहीं से निकले थे और यही रास्ता था, आज ये रास्ता पूरे 1 साल से बंद है। जब ये रास्ता बंद हुआ था तो हमने कहा था भैया ये रास्ता बंद क्यों कर दिया है, तो कहते हैं ये रास्ता आपका नहीं है, तो हम ये पूछते हैं रास्ता हमारा नहीं है, हमारे पुरखों ने यहीं पे जन्म लिया है, यहीं पले बड़े हैं, हर सुविधा जो मिली भी कभी भी जो मिली है वो यहीं से है, आज ये बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो हमारी लड़कियों को यहाँ से रोक दिया जाता है, यही इस गेट को पार करती हैं, कभी डंडा कूदती है, हर इंसान अमीर नहीं होता संसार में, कोई अमीर इतना नहीं है कि सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे या सबके लिए बस लगाई जाएंगी, हमारी औकात इतनी नहीं है जो हम अपनी लड़कियों के लिए बस लगवा दें। कल इन्होंने लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, धक्का मुक्की की है, तभी से ये लड़कियां कल से यहीं पे बैठी है, ना इन्होंने कुछ खाया है ना इन्होंने कुछ पिया, कहते हैं हम यहीं पे मरेंगे, तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, हम कहां जाए। वहीं बीती देर रात तक जब धरना समाप्त नहीं हुआ तो सोहना के विधायक संजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राओं ने अपना धरना जारी रखा। आज मुझे भी पता लगा टेलीफोन के माध्यम से कि कुछ बच्चे हमारे यहाँ कादरपुर गांव के हैं और जो ढाणियों में रहते हैं साथ ही, जो इशू जो हमारे रास्ते का जो चल रहा था उसमें आज बच्चों का पुलिस प्रशासन ने, वो जैसे बच्चे आम दिन तक जा रहे थे, आज जाने नहीं दिया,
जिसके कारण बच्चे यहाँ पर उसको बैठे हुए हैं, जबकि शायद एक वजह से बैठे हैं बच्चों, ना तो कुछ खाना खाया ना ही पानी पिया है। तो मेरा, जबकि माने मुख्यमंत्री जी ने, सरकार भी चाहती है कि रास्ता खुले, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, लेकिन कुछ कानूनी जो प्रक्रिया है, जैसे जमीन ट्रांसफर होना एनसीजी की, वो बकाया थी, जिसमें मेरी अभी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, जिसका कुछ ना कुछ समाधान कल सुबह 100% निकल जाएगा। मेरे सभी बच्चों से, गाँव वासियों से भी अनुरोध है कि भाई, क्योंकि तो सर्दी का समय है, बच्चे छोटे हैं, ये धरना गया कुछ खत्म करना चाहिए, जिसका कल समाधान निकाला जा सके। छात्राओं ने धरने पर बैठते ही अन्न और जल का त्याग कर दिया। वहीं शुक्रवार सुबह उनके समर्थन में प्राइवेट स्कूल की छात्राएं भी आई और वो भी इस धरने में शामिल हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि सरकारी स्कूल के जो लड़के हैं उनके साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की है, उनका रास्ता रोका गया स्कूल आने का। तो हम भी अब तभी पढ़ाई करना चाहते हैं जब हमारे साथ की लड़कियों को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। फिलहाल खबर लिखे जाने तक छात्राओं का धरना यूं ही चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन कब तक इस धरने को शांत करवाने में सफल हो पाता है और क्या छात्राओं की मांग पूरी होती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।